हाय स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट ट्यूटोरियल पार्ट है और काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद अब हम एक थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ पहुंच गए हैं और वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसका मतलब ये होता है कि जो भी असेट्स हैं मतलब जो भी संपत्तियां हैं जिसके आप मालिक हो जैसे कार है घर है बैंक बैलेंस है जमीन है या जो भी आपका बिजनेस है तो जो भी आपके असेट्स हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं अगर गवर्नमेंट ओनर है वो मैनेज करती है कंट्रोल करती है डायरेक्ट करती है तो वो पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा और अगर इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो सरकारी नहीं है वो प्राइवेट हो जाएगा उदाहरण के लिए अगर हम एस को लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट का बैंक है लेकिन अगर हम एच को लें या आई बैंक को लें या एक्सिस बैंक को लें तो ये सब के सब प्राइवेट बैंक हैं टेली में अगर हम देखें बी को अभी तो बी फिलहाल चल रही है तो गवर्नमेंट की एंटिटी है इसको गवर्नमेंट के लोग मैनेज करते हैं वहीं पे एयरटेल है आइडिया है वोडाफोन है जियो है ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल हो मतलब कि किसी व्यक्ति का हो या कुछ लोगों ने मिल खोला हो और उसमें जो भी टीचर्स पढ़ाते हो जो भी स्टाफ हो वो उन्होंने रखा हुआ हो और हो सकता है आप केंद्रीय विद्यालय में हो या नवोदय विद्यालय में हो तो अब जैसे केंद्रीय विद्यालय है तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है इसमें गवर्नमेंट के द्वारा टीचर्स रखे जाते हैं तो हमारी इकनॉमी में और ज़्यादातर इकनॉमी में आपको पब्लिक और यानी कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट का और प्राइवेट दोनों का आपको बिज़नेस मिल जाएगा दोनों के द्वारा इकनॉमी में एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी और हमारे यहाँ तो मिक्सड इकनॉमी है मिक्सड इकनॉमी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे हाँ दोनों के मोटिव्स क्या हो सकते हैं वो हमें स्टडी करना है डिफरेंसेस हमें देखने हैं जो कुछ भी आता है बुक से ही आता है बुक के आधार पर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो इसके लिए आप हमारी नोट सीरीज़ देख लीजिए वीडियोस हमने बनाए हुए हैं उसके लिए अलग से इन्हीं चैप्टर्स पे और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारी साइट पे जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सेक्टर्स कुड भी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स असेट्स एक तरीका हम ये अपना सकते हैं कि असेट्स का मालिक कौन है उसके आधार पे हम इकोनॉमी को क्लासिफाई कर सकते हैं क्योंकि कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो उसमें जितने भी असेट्स होंगे उसके ओनर तो होंगे ना उनकी हमने दो कैटेगरी बनाई पब्लिक यानी गवर्नमेंट का तो वो पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा यानी गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज तो पब्लिक सेक्टर में ओनर गवर्नमेंट होती है एसेट्स की भी होती है और सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी भी अगर गवर्नमेंट का कोई बैंक है तो बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल है तो उस सर्विस प्रोवाइडर है अच्छा प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ असैट्स किसकी होती है और सर्विस की जो डिलीवरी की ज़िम्मेदारी किसकी होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है या कंपनीज की होती है अब उदाहरण के लिए जैसे रेलवेज़ है पोस्ट ऑफिस है ये सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं इनको गवर्नमेंट चलाती है गवर्नमेंट यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त करती है गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है ये पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं जबकि कंपनीज टाटा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ये सब प्राइवेटली ओन्ड होते हैं इनकी मालिक सरकार नहीं होती बल्कि व्यक्ति होते हैं या कई व्यक्तियों के द्वारा स्थापित कंपनी होती है दुनिया भर में कितनी एम ऑपरेट होती हैं कोको कोला की है पेप्सी की है अमेजन है फ्लिपकार्ट हैं सब तो प्राइवेट है ना और जो डेवलप्ड कंपनीज़ हैं वो सब प्राइवेट इकनॉमीज़ हैं और जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादातर ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है हालांकि हम चाइना के इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन चाइना भी एक अब ओपन इकनॉमी हो चुकी है और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं अब आते हैं इनके मोटिव पे क्योंकि बिज़नेस कोई भी ओपन करेगा तो उसका क्या इरादा होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका मोटिव हो, होता है टू अर्न प्रॉफिट यानी कि अगर हमने सौ रुपये लगाया है तो उस पर कितना से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा लें ये होता है मोटिव मोटिव प्राइवेट सेक्टर ओनर्स का कोई कार निर्माता है या बाइक्स बनाते हैं टू व्हीलर्स जैसे हम होंडा को ले लें या हीरो को ले लें तो अगर उनको कॉस्ट आती है पचास हज़ार रुपये की कि किसी गाड़ी को बनाने में तो निश्चित हो सोचेंगे कि हमें कितना ज़्यादा ज़्यादा हम इसको बेच लें ये इनका मोटिव होता है इसके अलावा टू गेट सर सर्विसेज़ वी हैव टू पे मनी और हमें इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए मनी देनी पड़ती है किन्हीं देनी पड़ती है जो इस कंपनियों के मालिक होते हैं इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ को द पर्पज़ ऑफ़ द पब्लिक सेक्टर दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव होता है कि भाई देखिए वो भी तो सौ रुपये अगर कॉस्ट लगी है तो वो नब्बे की निन्यानवे की तो बेचेंगे नहीं वो भी कुछ इस पर प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे तो उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव मेन मोटिव नहीं होता बल्कि गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि वो टैक्स लगा के और अन्य तरीक़ों से अपने जो खर्चे को निकालने की कोशिश करें जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है आप सड़क पे चलते हो सड़क हो सकता है सरकार के द्वारा बनाई गई हो तो वो आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं ले रही हाँ हो सकता है कि वो यहाँ पर चुंगी लगा के टोल टैक्स आपसे ले ले वो भी मामूली सा अब पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाते हो अभी सी एस सी हैं जो सामुदायिक केंद्र होते हैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वहाँ पर आप जाइए तो आप एक रुपये की पर्ची दीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाइए और आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको सर्विस कितनी सस्ती मिल रही है वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विस एट द लोवेस्ट कॉस्ट और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज ऑपरेट करती हैं बिजनेस तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट पे एम कर रहता है उनका कि हम कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें और गवर्नमेंट क्या है कि टैक्सेस के थ्रू भी इनकम जनरेट कर लेती है मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आज की सरकारें काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं वट आर दीज एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ क्या हैं वाई डू गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़ इन एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट्स क्यों स्पेंड करती हैं हो सकता है जहाँ पे कोई प्राइवेट व्यक्ति ना जाना चाहता है वहाँ गवर्नमेंट जाकर इन्वेस्ट कर देती है इसी दूर दराज के इलाके में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं ओपन करेगा लेकिन गवर्नमेंट ओपन करती है प्राइवेट इसलिए नहीं ओपन करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर हमारी अच्छी खासी फीस नहीं मिलेगी स्ट्रेंथ नहीं आएगी हमें फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट इसलिए ओपन करती है कि उसे वहाँ लोगों को सर्व करना है एजुकेशन को बढ़ावा देना है इसके लिए वो घाटा भी सहने को तैयार है तो गवर्नमेंट का मोटिव होता है मेन मोटिव होता है टू तो तो सर्व क्योंकि गवर्नमेंट चुनी इसलिए जाती है बाय द पीपल कि दे विल सर्व द पीपल और प्राइवेट ओनरशिप या बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया जाता है टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंड द बिजनेस देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाई द सोसाइटी एज अ होल विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट बहुत सी थी जो चीजें होती हैं वो सोसाइटी को एज ए होल चाहिए होती हैं मतलब किसी एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को चाहिए होती हैं और वो भी रीजनेबल कॉस्ट पर प्राइवेट सेक्टर नहीं उपलब्ध कराएगा वाई क्यों सम ऑफ दिस नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है कुछ कंस्ट्रक्शन करना है बनाना है सर्विस प्रोवाइड करनी है विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं होती मतलब जहाँ पे अरबों खरबों का खर्चा होता है वहाँ तो गवर्नमेंट आगे आती है हालांकि अब तो प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज़्यादा पैसे वाली कंपनीज़ हैं दे कैन स्पेंड आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दिस फैसिलिटीज़ इज़ नॉट ईजी इसके अलावा जो हज़ारों लोग इस तरह की सेवाओं का उपयोग करते हैं फैसिलिटीज़ का उपयोग करते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करना वसूलना भी कोई आसान काम नहीं है ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनकी हम कि अगर प्राइवेट कंपनीज अगर ये सर्विस प्रोवाइड करती भी हैं दे वुड चार्ज हाई रेट फॉर देर यूज़ तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगी उन सर्विसेज़ के लिए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कम पैसे में एग्जाम्पल्स हर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जैसे रोड्स हैं ब्रिजेस हैं रेलवेज़ हैं हार्बर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना अभी देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट गवर्नमेंट करती है अब तो पावर प्लांट प्राइवेट भी लग रहे हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कोशिश करती है कि कम से कम यूनिट पर चार्ज लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए और यही नहीं जैसे दिल्ली जैसी गवर्नमेंट है अब और राज्यों में हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ वो लोग काफ़ी कुछ छूट भी देते हैं कि इतनी यूनिट्स तक आपको नहीं देना पड़ेगा खर्चा तो गवर्नमेंट का मोटिव और प्राइवेट कंपनीज़ के में डिफरेंस है प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंगगेशन फैसिलिटीज़ हैं डैम्स बनाना यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है दस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग इसलिए गवर्नमेंट को बहुत भारी भरकम खर्चे वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है टू इन्श्योर दैट दिस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू फॉर एवरीवन जिससे कि सबको उपलब्ध हो सके अगर रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं उस पर रेल दौड़ेगी तो उसमें आम आदमी भी सफर करेगा अगर उसी को कोई प्राइवेट ओनरशिप डेवलप करेगी तो उसी सफ़र को महंगा कर देगी एक है इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है मतलब अगर वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज वर्क कर भी रही हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है सपोर्ट करने के लिए किसको पब्लिक को या स्मॉल बिजनेसेस को जैसे मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को रन करने के लिए और अगर इलेक्ट्रिसिटी को सेल किया जाए एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन यानी जितनी लागत आती है उस लागत पर अगर सेल किया जाए मान लीजिए कि पाँच रुपये प्रति यूनिट लागत आ रही है एक यूनिट को जनरेट करने में और उसी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिसिटी सेल की जाती है तो इससे क्या होगा कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन बढ़ सकता है ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि डीजल दस रुपये प्रति लीटर है मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए यूज़ करता हूँ ऐसा नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ट्रक चलते हैं सप्लाई करते हैं बसें चलती हैं तो अगर ये महंगा होगा तो बसों के किराए महंगे कर दिए जाएंगे जो ढुलाई है वो महंगी हो जाएगी तो प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिकेगा एक मल्टीप्राइड इफेक्ट क्रिएट होता है तो उसी हिसाब से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं हम और जितने खर्चा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कई इंडस्ट्रीज़ में बढ़ेगा जैसे स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं भाई बिजली की ज़रूरत उन्हें पड़ती है ना तो वो कैसे आगे चला पाएंगी उन्हें हो सकता है बंद करना पड़ जाए अपना बिजनेस तो गवर्नमेंट यहाँ पर आती है वो इंटरफेयर करती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके सप्लाई करती है ऐसे रेट्स पर रीजनेबल रेट्स पर जिससे कि इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड इंडस्ट्रीज उसको अफोर्ड कर सकें और गवर्नमेंट क्या करती है मान लीजिए पाँच रुपये प्रति यूनिट है और दो रुपये प्रति यूनिट मिलने पे इंडस्ट्रीज़ अच्छी खासी चल सकती हैं पाँच रुपये बहुत महंगा पड़ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी उन्हें दो रुपये में प्रोवाइड कराएगी और बीच का जो तीन रुपये का डिफरेंस है वो खुद बियर कर लेगी इसे कहते हैं सब्सिडी देना बहुत ज़्यादा फेमस है सब्सिडी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उन उनपे सिलेंडर ज़्यादा दाम का उपलब्ध है गवर्नमेंट कम दाम पर उपलब्ध कराती है लोगों को सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस तो उसी प्रकार से जो फार्मर्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे वीट खरीदना राइस खरीदना या अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सुना होगा है ना वो एम घोषित करती है उसके बाद खरीदती है और फेयर प्राइस पे खरीदती है जिससे कि इन्हें वाजिब दाम मिल सके दस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन उसके बाद उन्हें गोडाउन में स्टोर करती है और फिर लोअर प्राइस पे वो कंज्यूमर्स को बेचती है राशन शॉप्स में है ना राशन कार्ड है आप लेके जाते हो तो आपको सस्ता मिलता है अनाज क्यों मिलता है इसी प्रकार से गवर्नमेंट फार्मर से खरीदती है ज़्यादा दाम पे और आपको बेचती है हल्के दाम पे गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए अब राशन कार्ड अब भाई अमीर लोग बनवा बनवाने बात दूसरी है लेकिन राशन कार्ड जनरली वो गरीब लोगों के लिए है यू हैव रेड अबाउट दिस इन चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास नाइन पढ़ा होगा आप लोगों ने तो इससे गवर्नमेंट को कुछ कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ती है जो मैंने बताया उसे हम सब्सिडी कहते हैं है ना सब्सिडी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा दाम पे जो चीज़ उपलब्ध है उसे कम पे उपलब्ध कराना और ये पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है जिसमें फार्मर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं जो शहरों में रहते हैं उनको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है जैसे मैंने बताया आपको लेकिन यही सब्सिडी आपको पेट्रोल डीजल पे तो नहीं मिलती है वो जैसी कॉस्ट होती है वैसी आपको मिलते हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और ये सब्सिडी भी गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम हटा लें क्योंकि इस पर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अब कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं और गवर्नमेंट इनसे बच नहीं सकती उसे स्पेंड करना ही करना है जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी किसी भी देश के विकास के लिए हेल्दी व्यक्ति एजुकेटेड व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में और ये दोनों कॉस्टली भी हैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कॉस्टली है तो एक गरीब व्यक्ति एक आम व्यक्ति जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो उसे गवर्नमेंट अस्पताल और गवर्नमेंट स्कूल में जाने का मौका मिलना चाहिए ना तो गवर्नमेंट इनमें इन्वेस्ट करती है और ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज़ है प्राइमरी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और शिक्षित होना चाहता है तो उसका हक हाँ है वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इश्यूज इन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन तो स्कूल्स को ढंग से चलाना क्वालिटी एजुकेशन देना खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि शुरू की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की ड्यूटी है इंडिया साइज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अब देखें यहाँ पे अनपढ़ लोगों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा हैली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रेन आर मल नरिष्ठ इसी प्रकार से हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे भी बच्चे हैं जो मल नरिष्ट हैं उन्हें ठीक से भोजन नहीं मिलता कुपोषण के शिकार हैं उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती एंड ए क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल और इनमें से भी लगभग चौथाई हिस्सा ट्वेंटी फाइव परसेंट बीमार रहते हैं काफी वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दे और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है कि हर हजार बच्चे के जन्म पे कितने की मृत्यु हो जाती है एक साल के अंदर एक साल पूरा करने से पहले पहले मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो एक साल के अंदर एक साल पूरा नहीं कर पाया उसके पहले उसकी डेथ हो गई और प्रति हज़ार बच्चों पे कितने स्त्री मरते हैं मान लीजिए दो हज़ार बच्चों का जन्म हुआ एक साल में किसी इलाके में और उसमें से पाँच की डेथ हो गई तो इन्फेंट मोटोलिटी रेट है द इन्फेंट मोटोलिटी रेट ऑफ उड़ीसा की और मध्य प्रदेश की यहाँ दी गई है बहुत ज़्यादा है और दुनिया में जो बहुत ही गरीब देश हैं क्षेत्र हैं उनसे भी ज़्यादा गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू अब इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले आके क्या करेंगे इसमें गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर में उन्हें बड़ी ही उनकी आत्मा जगी हो और वो बड़ी उदारता का और दानशीलता का, का काम करना चाहें जनरसिटी और चैरिटी करना चाहें तो बात दूसरी है और ऐसा होता भी ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास पर ध्यान देना है क्लास टेंथ में आप हैं तो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा पिछले ट्यूटोरियल्स में फ़र्स्ट चैप्टर के हमने बताया था सच एज एबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना हाउसिंग फैसिलिटीज़ करोड़ों मकान गवर्नमेंट बनवाती है और देती है जब प्रेजेंट गवर्नमेंट है मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ तो उसमें आता है कि इतने करोड़ मकान हमने बनवा दिए इतने गैस कनेक्शन हमने दे दिए इतने हमने फार्मर्स को पैसे बाँटे सब गवर्नमेंट बियर करती है इनसे कमाएगी क्या ये तो दे रही है ना गवर्नमेंट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी देश में इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ़ द गवर्नमेंट हाँ पुअर एंड पुअर्स को फूड और न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो बच्चों को उनको पास पोषाहार आता है वो देते हैं उनको खाने पीने के लिए और देखिए प्राइमरी स्कूल्स में बीच में लंच के समय भोजन मिलता है इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ़ द पुरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गरीब से गरीब लोग और पिछड़े से पिछड़े इलाकों का विकास करें और ऐसा तब हो सकता है जब वो उन एरियाज़ में ज़्यादा ज़्यादा खर्च करने को रेडी हो तो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट का सीधा मोटिव प्रॉफिट जहाँ उन्हें नज़र आएगा कि प्रॉफिट हो सकता है वहाँ जाके वो अपने बिजनेस डालना शुरू कर देंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे यही वजह है ना शहरों में आपको अस्पताल मिलते हैं बड़े बड़ बड़े स्कूल्स मिलते हैं गांव में तो आपको प्राइमरी स्कूल ही मिलेगा सरकारी स्कूल ही मिलेगा या छोटी छोटी मोन्टेसिज मिल जाएंगी चल रही हैं अब आजकल पी मॉडल बहुत चला हुआ है और ये अधिकतर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इसको फॉलो करती हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी जो बड़े बड़े हाईवेज़ हैं ब्रिजेज हैं एयरपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट होती है और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं मिलकर काम करती हैं अब देख सकते फ़ायदा क्या होता है जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी भले ना हो लेकिन वो लोग हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सनस को रखती हैं तो उसका फ़ायदा मिल जाता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं और समय के अंदर पूरे भी होते हैं और जो फंडिंग होती है फाइनेंस उसकी भी प्रॉब्लम दूर होती है जो प्राइवेट कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं और जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी प्राइवेट कंपनीज़ पर चला आता है तो ये सब हमने इस ट्यूटोरियल में पढ़ा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यहाँ पे समिंग अप है किस प्रकार से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी सेक्टर में और हमने देखा कि टर्सी सेक्टर में जो भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है और हमने ये भी देखा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं देश में और एक और क्लासिफिकेशन हमने लिया था कि लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमने देखा कि ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो हमारे यहाँ फाइव मिलियन से भी ज़्यादा वर्क फोर्स है जिसमें से जो बुक में डेटा दिया गया था उसमें दिया गया था लगभग सेवेंटी फोर सेवेंटी सिक्स परसेंट से भी के आसपास लोग जो है अनऑर्गनाइज सेक्टर में हैं और फिर हमने देखा था कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर हमने डिफरेंसेस भी देखे कि प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ में क्या होती है और पब्लिक एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सर्टेन एरियाज़ में क्यों ज़रूरत है देखिए नक्सली इलाके हैं अभी जैसे गवर्नमेंट है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाके इसने काफ़ी ज़्यादा रोडों का नेटवर्क डेवलप किया न्यू न्यू रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं सड़कें तो कहा जाता है कि रिकॉर्ड बन रही हैं पर डे बॉर्डर पर सड़कें बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट को इनमें फ़ायदा नहीं होना है पब्लिक को ही मिलेगा ये सब कुछ तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर और जो हमने प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो कुछ भी है स्टडी किया सो थैंक यू फॉर वाचिंग द ट्यूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर